आपका सवाल था कि बंगाल की राजनीति में जिस तरह से दमनकारी नीति अपनाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरह, भारतीय प्रचार पार्टी की तरह, उसके खिलाफ, क्योंकि उन्होंने तीनों काले बिल लाए, हम उसके खिलाफ बोलेंगे, हम उसके खिलाफ हमारे आवाज को दबाने की जितनी कोशिश करना करे। तो हमारे तमाम लीडरों ने यह आह्वान किया है, ये उन्होंने कोशिश की है कि बंगाल में जाएंगे और हम बंगाल में जाएंगे किस नीति पे, किस बात समझना बहुत जरूरी है। देखो होता क्या, मीडिया एक एक बात को गलत तरीके से प्रस्तुत करती है, जिससे हमारे आंदोलन पे थोड़ा बहुत क्या कोशिश करती है दबाव बनाने की, राजनीतिक तंत्र बनाने की। उन्होंने साफ साफ कहा हम बात करेंगे तीनों काले बिल पे, उन्होंने साफ साफ कहा हम बात करेंगे भारत माता की भूमि पत्र पे जिसको बेचने की कोशिश की जा रही है, उन्होंने साफ साफ कहा, उन्होंने जो नेताओं ने हमारे कहा है उन्होंने साफ साफ कहा आने वाले हम बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम भारत माता की भूमि की लड़ाई लड़ रहे हैं, जब हम जाएंगे बंगाल में तो हम 2006 की नंदीग्राम सिंघूर की वो लड़ाई को याद दिलाएंगे जिसमें 34 साल शासन करने वाले लेफ्ट सरकार, तो ये भारत सरकार गलतफहमी ना रहे, जब 34 साल शासन करती उसको हम उखाड़ फेंक सकते हैं। कितने दिन हो गए इनको मोदी जी, कितने दिन हो गए आपको? 2001 का एक सर्वे आया, उसको भी रखूंगा आपको मैं, 2001 में 170 मोदी जी ने, क्योंकि मोदी जी का जो रिकॉर्ड है बड़ा लंबा है, उनकी जो ऊंची राजनीति है बड़ी लंबी है, उसमें बात करूंगा तो फिर और तलखी हो जाएगी, लोग भड़क उठेंगे, भक्त को थोड़ी मिर्ची लग जाएगी, उसको मैं थोड़ी शॉर्ट में रखने की कोशिश करूंगा। बंगाल 2006 में इसी भूमि के खिलाफ, इसी खेती के खिलाफ अधिग्रहण किया गया, सरकार के प्रशासन के थ्रू तन बल का प्रयोग किया गया, उसमें आपने देखा लेफ्ट की सरकार को वहां की जनता ने उखाड़ फेंका, नंदीग्राम की लड़ाई, सिंघूर की लड़ाई, ये समझना बहुत जरूरी है। तो आज उसी भारत माता की जमीन पे, उसी भूमि पे भारतीय जनता पार्टी, जिसकी 2017 में 3 सीट थी, सिर्फ 3 सीट, डबल डिजिट में नहीं जाने वाली है, ये समझ लो आप। मैं आपको ये चीज बहुत मजबूती के साथ बोल रहा हूँ, मैं ही पढ़ूंगा, मैं जाने वाला नहीं, पहले दिन से हूँ मैं। आप उस दिन जो 2 मई का रिजल्ट है उसके बाद भी बात कर, डबल डिजिट में नहीं जाएगी भारतीय जनता पार्टी की सीट, गलतफहमी दूर कर ले, इनको जितना प्रेशर करना कर ले, वो जमीन की हिस्ट्री है, ईस्ट इंडिया कंपनी को काम किया जो ब्रिटिश ने यहाँ की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश किया, और उन्होंने गलत तरीके से हमारे यहाँ जगह बनाई मद्रास के रास्ते से, हम लोगों ने उस कंपनी को भी भगाने का काम किया। 1906 का आंदोलन जो था वो हमारी खेती भारत भूमि के खिलाफ आंदोलन था, क्योंकि उस वक्त भी ब्रिटिश सरकार ने हमारी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश किया, और वो आंदोलन 9 महीने चला था, उस आंदोलन में हमने सफलता प्राप्त किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल, आप देख सकते उसको किस तरह हाशिए पर धकेल दिया मोदी सरकार ने, आपने देखा नामकरण की राजनीति चल रही है, उस नामकरण में आप मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर भैया जुमले दिया गया, स्टेडियम का नाम रख दिया गया। आप अपने नेता को सम्मान देने में असमर्थ हैं, आप क्या आम पब्लिक को सम्मान देंगे? राजनीति स्तर को आपने बर्बाद कर दिया, जुमले सुना सुना के लोगों के आवाज को कुचलने का जो काम किया है वो यूएन उठा रही है, वो अमेरिका की टाइम मैगजीन उठा रही है, वो थिंक टैंक फ्रीडम हाउस उठा रही है, और हमारे कंट्री में लोग सोए हुए हैं। ये चंद लोग हैं आंदोलन में, ये पंजाब का आंदोलन है, ये हरियाणा का आंदोलन है, ये पश्चिम उत्तर प्रदेश का आंदोलन है। अरे भाई कहाँ हो आप लोग? अगर अब हम नहीं जगे तो तमाम युवाओं, तमाम किसान, तमाम भाइयों, ये चीज समझ लो आप, ये सरकार की जो रणनीति है 50 साल की, वो रणनीति को हम कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। और आंदोलन गिनती पे नहीं काम करती है, संख्याओं पे नहीं काम करती है, आंदोलन की रणनीति जो होती है वो आंदोलन की रणनीति बिल्कुल साफ है, हमारे यहाँ के आंदोलन की रणनीति कि हम सरकार से आखिरी वक्त तक लड़ेंगे, और जब तक जीतेंगे नहीं, जब तक तीनों बिल की जब तक हम उठने वाले नहीं है, चाहे आप जितना धन बल का प्रयोग करना कर लो, देखते हैं किसके दमन में कितनी ताकत है। और मैं इस लाइन को रखना चाहूंगा, ये खुद की लाशों को अपने कंधों पे उठाए हैं, यूं खुद की लाशों को अपने कंधों पे उठाए हैं। ऐ शहर के लोग गांव से आए हैं, वो आबादी 83% किसानों की है, जिनको सिर्फ 3 एकड़ की जमीन है, मंडी व्यवस्था की बात कर लो 2 मिनट, MSP की बात कर लो 2 मिनट, असमा एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट जो 3 मिल है, तीनों पे बात करूंगा 1-1 मिनट बस, क्योंकि भारत सरकार के कृषि मंत्री
नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कहा है भैया इसमें काला ही नहीं है कुछ, तो सफेद तो बताने में असमर्थ रहे, सफेद बता ही नहीं पाए आज तक, और हम काला बता रहे हैं लगातार, पूरी भैंस काली हो तो काला ही सुन लो तीन चार और, क्योंकि आपको अपने करतूत का पता चलना चाहिए काला क्या है। भैया ये बताओ 1955 में आपने कृषि अधिनियम एक्ट बनाया, उसमें जो तीन पैराग्राफ और साफ है, तीन पैराग्राफ में साफ साफ कहा गया कि जमाखोरी काला बाजारी लिमिट में किया जाएगा। मैं बोल रहा हूँ काला बाजारी जमाखोरी, क्योंकि ये वर्ड नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आज का जो ये पूरा एक सिनेरियो है उसमें मैं बोल रहा हूँ, उस परिप्रेक्ष्य में बोल रहा हूँ। लिमिट अवस्था में निजी जो 2% कारोबारी हैं, पूंजीपति है, वो लिमिट अवस्था मंडी से खरीदारी करेंगे। आपने वो लिमिट को रखा है तीनों काले बिन में। मैं पूछता हूँ भारत सरकार से, क्या उसके सातवां पैराग्राफ जिसमें 1955 में जो कानून बना उसमें जो सजा का प्रावधान था कम से कम 3 महीने का और ज्यादा से ज्यादा 7 साल का, क्या आपने इन तीनों काले बिल में रखा है उस प्रावधान को? मैं पूछना चाहूंगा। 1955 में ही जो इंस्टीट्यूशन है जो मंडियों को रजिस्टर करती है, क्या आपने एपीएमसी को इन तीनों काले बिल में रखा है? मैं पूछना चाहूंगा। एपीएमसी के थ्रू 5000 मंडियां, एपीएमसी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट काउंसिल जो जिसको हम एपीएमसी कहते हैं, क्या आपने एपीएमसी का प्रावधान इन तीनों काले बिल में रखा? आपने एपीएमसी के थ्रू सिर्फ 5000 मंडियां अब तक है, 50000 मंडियों की जरूरत है। आप 50000 मंडियां दो अडानी अंबानी को आप बेच रहे हैं खुली तरह, जिस तरह आपने MTNL BSNL को बेच दिया। भारत सरकार की सिर्फ एक रणनीति है कि वो ब्रिटिश सरकार को दोबारा लाओ, इंडिया में जो लोग मेहनत करने वाले गरीब मजदूर वंचित अगड़े पिछड़े किसान उसको, इनकी सिर्फ एक रणनीति है। तीसरी बात MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस न्यूनतम समर्थन मूल्य। भाई न्यूनतम क्यों कहा जाता भाई? आपके यहाँ कोई भी चीज पानी बोतल बनता है, सर्फ साबुन मैक्सिमम प्राइस लिखा रहता है विद टैक्स इंक्लूड होता है। हमारे यहाँ हमारे फसल की कीमत न्यूनतम क्यों रहती है भाई? ये सवाल है। हमारे यहाँ हमारे MSP की जो प्राइस है उसकी वृद्धि पिछले 70 साल में सिर्फ और सिर्फ 5% हुई है। नेताओं की पेंशन की वृद्धि देखो 300 गुना बढ़ा। कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर 5 साल के बाद जाता है तो 2 लाख रुपए पर मंथ उसे मिलता है ना, पेंशन मिलता है। हमारे किसान भाई पूरे देश को चला रहा है, आपकी अर्थव्यवस्था को टेकअप करता है एग्रीकल्चर। वो एग्रीकल्चर को आपने इतनी बुरी तरह तबाह करने की कोशिश किया, 5% की वृद्धि, उसके बावजूद MSP पे खरीद फरोख्त नहीं हो रहा है। 1800 जो रेट है 1000 में खरीदा जा रहा है, 2000 रेट है 500 में खरीदा जा रहा है, ये इनकी रणनीति है। तीसरी बात एसेंशियल कमोडिटी एक्ट ASMA, उसमें आपने देखा जो 5-6 मेन चीज है उसको इन्होंने अपने काले बिल में अलग कर दिया, बायकॉट कर दिया पूरी तरह से, उसको अलग रखा है। ये इनकी रणनीति चलने वाली नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि ये तीनों बिलों पे थोड़ी सी बात रखना जरूरी था। और एक जो प्रावधान रखा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे, वो लंबी बातें हो जाएंगी, मैं शॉर्ट में मैंने कहा था ब्रीफली रखूंगा, ब्रीफली मैंने बात रखी अपनी। अगर भारत सरकार के मंत्री में, भारत सरकार के जो इनके कृषि मंत्री है तोमर जी में, चाहे इनके मंत्री पीयूष गोयल हो, पीयूष गोयल भी आ रहे हैं इस बात में, भाई रेल मंत्री आ रहा है हमारे बात करने के लिए, हद है क्या? ये मजाक है, ये भारत मजाक से मंत्री जी को पता ही नहीं गन्ना में गन्ना से क्या बनता है, गन्ना बनता कैसे, गन्ना पे सवाल किया गया भड़क गए हमारे कृषि मंत्री, भड़क गए वो, उनको पता ही नहीं गन्ना से निकलता क्या, गन्ना कैसे बनता है। भैया जो गन्ने की 12000 कर्जा है यूपी का, वो देने में असमर्थ भारत सरकार, और 70 लाख करोड़ रुपया पिछले कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने दो को माफ कर दिया। एक साल का सर्वे आया पेट्रोल का, एक साल का जो जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, एक साल में 3 लाख करोड़ रुपया भारत सरकार ने कमाया, वो पैसा कहां गया? पिछले 7 साल के कार्यकाल में 27 लाख करोड़ रुपया भारत सरकार ने कमाया पेट्रोल से। भैया वो पैसा कहां गया? पिछले 3 महीने में 300 रुपया सिलेंडर का बढ़ा दिया, ये पैसा कहां जा रहा है सब? ये पैसा कहां जा रहा है? अगर हम इस पे बात करें, आतंकवादी है, खालिस्तानी है, देशद्रोही है, राजद्रोह का केस बनेगा, 124A लेगा, NSA लेगा, UAPA लेगा, ये सारा लगाओ आप जेल में डालोगे, अब डालो, सेल लगी है भारत की, बेचो पूरी देश को, बेचो पूरी पब्लिक को, यहाँ की कोई वाला नहीं आपसे, ऐसा नहीं होने देंगे हम। हम उसी के खिलाफ खड़े हैं यहाँ पे आंदोलन में, हम खड़े रहेंगे, और हमारा नारा सिर्फ एक है, जब तक तीनों बिल वापसी नहीं, जब तक, इस नारे के साथ हम खड़े रहेंगे।